होता था ब्लैकमेल, कोई भी चीज होती थी इसने हमें ब्लैकमेल करना होता था हर बात में, या तो पैसे दो नहीं तो बात आगे चली जाएगी। नहीं पहले पैसे ले लेती थी। ब्लैकमेलिंग से कौन डरता था? आप ही। मैं कहती थी जाओ बताती है बताने दो, लेकिन आप ही प्लीज मत बताओ प्लीज मत बताओ, और ये करती भी उसको ब्लैकमेल थी हमेशा तरीके से, क्योंकि अभी कैमरा टर्न नहीं हो रहा। अरे तुमने आंखों में ग्रीन कलर का काजल लगाया हुआ है, इट्स लुकिंग वेरी गुड। अच्छा लग रहा है। मैंने कहा पाकिस्तान, आंखें पाकिस्तान, नैन पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, जान पाकिस्तान। ₹50 कार्ड इस ओवर एक्टिंग कर, चलो कहां पे। अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने, किस चीज की? 14 अगस्त के लिए, क्योंकि पाकिस्तान सबका आजाद हुआ है। और क्यों सबका? हमारा हमारा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान आजाद हो गया, हम सबका, ठीक है। और जैनब की भरपूर जिद पे अब हम किसी जगह देखते हैं कि नियरेस्ट कहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं, और वहाँ पे जाके जरा। जैनब जो है वो शॉपिंग कर रही है जी, अपनी झंडे शंडे लेने हैं। मानो छोटे छोटे, मैं इसको बता दूँ, जैनब सुने वो जो छोटे वाले झंडे नहीं होते, वो वाले छोटे वाले, हाँ वो लेने हैं आपने। चलो जी, ये कल की तैयारी है, ये पाकिस्तान डे मनाने का बेहतरीन तरीका है। हाँ इस तरह के जो, हम कितनी बहने हैं। अच्छा पापा जी आप बताएं, जब आप छोटे थे तो इसी तरह से एक दिन पहले शॉपिंग करने जाते थे 14 अगस्त की? ये हम भी इसी तरह ही करते थे, वो लेकर झंडियाँ लेकर, बल्कि हम तो खुद वो धागा लेकर ना लगा कर, तो घर में जो आटा गूंदने वाला नहीं होता, हाँ। उसमें पानी डाल के बना के वो लगाते थे, पूरा हाँ। लगाना करना पूरा साइड हाल लगाते रहते थे, सेन के अंदर बड़ा सेन था हमारा पड़ा ना गाँव, हाँ। तो वो उसमें लगा के झंडियाँ जब लग जाती थी, तो फिर जब लगा कर सोए सुबह उठे तो रात को बारिश पड़ी, सारी झंडियाँ नीचे पड़ी। ये हर 14 अगस्त पे बारिश होती है, अब कल का कोई पता नहीं। हाँ जी, और हमारे साथ ही, हमारे साथ भी, हम भी जब छोटे थे तो यही होता, देखा धागा लगा हुआ था खाली, झंडियाँ सारी गीली हो गई, गीली हो गई। हाय 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 हाय, व्हाट हैपेंड? क्या क्या लेके आई हो? बिग व्हील आई हो? अपने बाल थोड़े हैं तुम्हारे? झंडियाँ लाई हूँ घर जाके, अब इसकी ओके पोनी भी लाई हूं, क्योंकि दो पोनियां करूंगी ना मैं। ये तुम्हारी जितने सारे घर में ग्रीन और वाइट पोनियां, जैनब ने उसमें कब्जा किया हुआ है कि ये पोनियां मैं करूंगी, तो मुझे लगता है इसने 600 पोनियां करनी है। अच्छा टॉप्स भी ले आई हो, ठीक है। और ये पापा के लिए लाई हूं। पापा आपने इसे कुछ मंगवाया? मैंने मंगवाया नहीं, खुद ही लेके हैंड पे पहनते हैं। अच्छा ठीक है, इसीलिए लेके आया हूं, मैं गाड़ी में लगाऊंगा। पापा गाड़ी में लगाएंगे, ठीक है जी। पटक पटक की आवाजें शुरू हो गई हैं, हमारा, मेरी और पापा की आजादी गाड़ी में गुजर रही है। वो देखो, और आपको मैं अभी दिखाती हूँ मंजर कुछ पटक पटक। ओ अच्छी अच्छी आतिशबाजी हो रही है, चले मैं आपको दिखाती हूँ। ओ इतनी सी आतिशबाजी हमारे मुकद्दर में लिखी हुई, जिसके आगे दरख्त आ गए हैं। लो जी पटक पटक। सो पाकिस्तान कितने साल का हो गया? 74 पाकिस्तान। हम फुल शदीद भरपूर रश में से अपनी जान बचा के निकल आए, क्योंकि हर जगह नाके लगे हुए हैं, पुलिस वाले जो है वो बाइकर्स को रोक रोक के कह रहे हैं मामा तुम कार चल, तू ऐसे की करना पे, और वो कह रहे हैं मैं वाचा लेके आजाद हो गया हूं। हमारी 14th अगस्त की पहली मुटियार तैयार हो चुकी है, लिपस्टिक आपकी रह गई है। Yes, but you are looking perfectly beautiful. But मुझे ना थोड़ा सा हेयर स्टाइल में हो रहा है कि क्या करूं। It's our traditional hairstyle, you know? नहीं, चुटिया वाला अच्छा लग रहा है। अच्छा हाँ, वो बंद कर दो, और आपकी जैकेट भी, आपकी जैकेट रेन क्लॉसेट की है? हाँ ये रेन क्लॉसेट की है, ये रेन क्लॉसेट में। एंड हिरा इज फ्रॉम हिरा फैसल, और नहीं हिरा इज फ्रॉम मोहम्मद फैसल, एंड फ्रॉम मामा। ये कुछ ज्यादा और है, एकदम नहीं ज्यादा और ही, चोट लग गई यार। तो आई मेकअप दिखाऊं? तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? ये कैसे लग रहे हैं? इनको तलाशने गई हुई थी मैं नीचे, मतलब सर्चिंग करने गई हुई थी इनकी। सो मैं अपनी चीज़ें मैच कर रही थी, मैं एकदम ऊपर आई, मैंने देखा हीरा तो रेडी खड़ी हुई है, तो इस वक्त तो हमारे मैं क्विक क्विक फास्ट सर्विस देती हूँ। मैंने नेल पॉलिश भी लगाई है वाइट कलर की, और इयर रिंग्स भी मैंने, अब मैं कपड़े पहनने जा रही हूँ, तैयार होकर आप लोगों को। ओके बाय बाय। दिल दिल पाकिस्तान जा जा,
पाकिस्तान। मैं नहीं कहूंगी। आपको पता है गाइस, ये मुझे कैमरे के बिहाइंड भी क्या कह रही थी, ये मुझे कह रही थी कि अब प्लीज थोड़ी देर के लिए गाना बंद कर दो अभी, तो मेरा मुल्क आजाद हुआ, मेरा दिल कर रहा है मैं आज जो है वो गाती जाऊं। मुझे सुनने का दिल कर रहा है बट राइट नाउ मुझे दिल कर रहा है खामोशी हो जाए, पता नहीं क्यों, शायद मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया इसीलिए। अच्छा, और ये क्या पी रही हो? मिल्क। अच्छा गाइस, सुबह सुबह उठ के दूध पिया करें, मैंने पी लिया अपना, उसकी मैंने फुटेज आपको नहीं दिखाई, लेकिन शाम के 4 बज गए सुबह सुबह उठ के, मतलब तो उठे तो हम लेट हैं, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, यू आर सो बैड, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो फील हो रहा है। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान। तो भाई कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं करने जा रही, बस यहाँ मैं आप ही की वो बन के जा रही हूँ। क्या उसे कहते हैं, फोटोग्राफर, पहले मेरा ड्रेस एंड योर असिस्टेंट, पहले मेरा ड्रेस दिखा, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, यू नो पंजाबी, हम क्योंकि पंजाब के सूबे से हैं, सो पंजाबी स्टाइल में पाकिस्तानी कलर का ड्रेस। तो ये पॉप वाली वो करने की क्या जरूरत थी, पॉप तो नहीं चले, मैं ऐसे कर लेती। देखो शफीक अहमद, तुम आराम से भी कह सकती थी पाकिस्तान जिंदाबाद, ये तुम्हें करने की। अच्छा, मैं एक 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 मिली तराना मुझे बहुत जोर से आ रहा है वो वाला, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बास के, ये चमन तुम्हारा। बहुत गुड हो गया, सिंगिंग की बादशाह लगी हुई है, ठीक है। मेरा कुर्ता भी तो देखो, प्यारा प्यारा मैचिंग, ठीक है। मैं सोचा था मैं चुटिया करूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये गर्ल डाले हुए ना बालों पे, नहीं, फिर सोचा कि ये हीरा की कॉपी हो जाएगी अगर मैं आ रही हूँ किसी तरीके से, क्योंकि अभी कैमरा टर्न नहीं हो रहा। अरे तुमने आंखों में ग्रीन कलर का काजल लगाया हुआ, इट्स लुकिंग वेरी गुड, अच्छा लग रहा है। मैंने कहा पाकिस्तान, आंखें पाकिस्तान, नैन पाकिस्तान, दिल पाकिस्तान, जान पाकिस्तान। 50 रुपए कार्ड इज ओवर एक्टिंग कर, चलो कहाँ पे पिक्चर्स देने मुझे। सो आजादी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, हमारे मुल्क के बानी का नाम क्या है, हमारे मुल्क को, हमारे मुल्क में शायर मशरक किनको कहा जाता है, लामा इकबाल। और हमारे मुल्क में जो है वो सवाल ही नहीं याद आ रहा, पाकिस्तान के कौमी तराना किसने लिखा था, हफीज जालंधरी ने। लेकिन मुझे उनके 3 रूल्स याद है, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम, ठीक है, ठीक है। और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया, जल्दी जल्दी, नहीं सॉरी, अल्लामा इकबाल, चल रहमत, चौधरी रहमत अली, आता नहीं था मैंने बताया, ठीक है, चल। और पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है, और मेरी पी है पाकिस्तान का कैपिटल। सो हमारी राबिया जो है वो तैयार हो गई है, बड़ी मुश्किल से इसको निकाला है, तो अब मैं पूछूंगी राबिया से सवाल, राबिया का क्विज होगा आपस में, नो चीटिंग, नो चीटिंग। राबिया आजकल मेरे पेपर हो रहे हैं तो मेरा दिमाग बहुत शार्प है। चलो जी, मोहम्मदन एंग्लो ऑर्डिनेटल कॉलेज की बुनियाद किसने रखी, सर सैयद अहमद खान है, हीरा को नहीं आया था, आता है, मैंने उसको बोलने दिया, बिकॉज़ मोहम्मदन एंग्लो ऑर्डिनेटल कॉलेज की शॉर्ट फॉर्म क्या है, एमयू कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ऑर्डिनेटल कॉलेज, ठीक है। पाकिस्तान का मतलब क्या, जल्दी, नारायण तकबीर अल्लाह, मेरे वतन में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं, ये एक जा क्या, तुम प्रेट मत करो, डोंट। ये है हमारी 14 अगस्त की चीफ गेस्ट। ये बाल मैंने कल जैनम को लेके दिए थे, जैनम आज पहन नहीं रही, पता तुम क्या लग रही हो इस वक्त, कात्या में नहीं वो जो आता, कात्या वो जो उसके सर पे ऐसे टोपी पहनी हुई होती है उसने, यार इसके बगैर तो 14 अगस्त ही, ये जो तो पूपू कर ही जा रही है ना, ये दो तुम्हारे ही कारस्तानी है, गंदी कारस्तानी है, ये तुम्हारे अब चप्पल भी ले रही हूँ मैं, फन ये हो रहा है आज तो अब तुम्हारे सुरों का इम्तिहान है,
इन बाजों के साथ जरा मुझे अच्छा सा मिली तराना सुना दे मैडम। ये वतन तुम्हारा है। अच्छा और वो नहीं नहीं अब कोई और ना okay. वो वाला दिल दिल पाकिस्तान ओके okay. और दूसरा मेरे वतन ये मुझे थोड़ा सा भूलता है लेकिन मेरा फेवरेट मिली नगमा वो है हम जिंदा कौम है पाहिंदा कौम है आपके सुर बहुत ढीले हैं आप को मुझे एक याद कर लेने दो मेरा यार एक मिनट बंद करना यार हाँ ख्वाब था इकबाल का और कायद की उमंग ये गाती ओए होए अच्छा मैं ना कल मुनीबा मजारी का यूट्यूब पे वो मिली नगमा सुन रही ये वतन तुम्हारा जब उसमें ये लाइन आई ना हम तो बस उनवा थे हाँ ठीक 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 था ठीक था असल दास्ता तुम हो और जब ये आया लिटरली मैंने इधर उधर देखा नहीं और मेरी आंखों से आंसू आ गए कि उन्होंने हमारे मुल्क के लिए कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी थी हमारे बड़ों ने और बहुत ज्यादा रोना है लेकिन फिर मैंने देखा मम्मा हीरा देख तो नहीं रही फटाफट से आंसू साफ कर लूं रोना क्राइम होता है ना हम देसी पीपल्स है ना तो रोने के पीछे वो पता नहीं क्या लेकिन हम अपने मुल्क की जो चीजों से अटैच है पीपल होता है मैं बताती हूँ छोटे होते ना मतलब 10-20 रुपए की झंडियों की दत्ती आती होती थी और मैं मम्मा से कहती मुझे ना झंडियां चाहिए तो मम्मा कहती चलो ठीक है जाओ ना ले आओ मैं आटा को गोल के इतना चंडे खाती मम्मा से उनके सारे फ्रिज में कंड डाल देती थी आटा चिप चिप करता था उतरता था बाद में लेकिन देर बाद इतनी मेहनत से अब पूरे मोहल्ले में कंपटीशन हो रहा था यार मैंने मेरा मतलब मेरा घर ज्यादा अच्छा लगना चाहिए खैर सजा लिया मैं बताती हूँ कि हम लोग जो है अगले दिन हो जाती थी बारिश मेरा सारा पैसा डूब जाता मेरे 20 रुपए की इन्वेस्टमेंट 20-20 रुपए की वो बताओ जब हमने 14 अगस्त पे झंडियों को लगाते लगाते आग लगा के चारपाई जलाई थी मैंने और इसने मेरे साथ जो किया था हम अपने नानों के घर गए हुए थे और इस तरह हुआ कि ना एक सेकेंड हम अपने नानों के घर गए हुए थे तो हम लोग ना उसके ऊपर चारपाई के ऊपर ना यार झंडियां लगा रहे थे तो ना इसने पता नहीं कैंडल ऑन कर दी तो कैंडल से आग जल गई पूरी लकड़ी की चारपाई खा गई बांध नहीं होता उसका लटक रहा होता चारपाई का उसको एक वो खुश्क थी बहुत ड्राई थी और वो खा गई उसको एकदम आग और लगी थोड़ी 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 और मैं जाके ये भी थी साथ ये दोनों मिली हुई थी ये दोनों मिली हुई थी और मेरे खिलाफ थी और मैंने कहा अच्छा तुम दोनों का तो मैं था थी मैंने जाके इनकी शिकायत लगा दी बड़ा मजा आया इसका नाम होता था ब्लैकमेल कोई भी चीज होती थी इसने हमें ब्लैकमेल करना होता था हर बात में या तो पैसे दो नहीं तो बात आगे चली जाएगी नहीं पहले पैसे ले लेती थी ब्लैकमेलिंग से कौन डरता था आप ही मैं कहती थी जाओ बताती है मैं बताने दो लेकिन आप ही प्लीज मत बताओ और ये करती भी उसको ब्लैकमेल इसको पता है कि मैं हो जाती हूँ ब्लैकमेल तो ये मुझे ब्लैकमेल करती थी लेकिन सबसे ज्यादा हम दोनों को इस पे गुस्सा आता था हम इससे तो तुम लोग ऐसे काम क्यों करते थे ऐसे काम क्यों करते थे जो माँ बाप से छिपाने पड़े हमने बुक्स फाड़ के आग बुझाई आग ही नहीं बुझी साथ में एक गंदुम की जगह भी थी जहाँ पे गंदुम पड़ी होती थी और वहाँ पे इन्होंने जूती को आग लगी प्लास्टिक मुझे बड़ा सा पीपा नहीं होता जिसको ऐसे नीचे हमारा एक कजन था ना उसकी जूती को आग लगी और मैंने बताया क्यों था हमारे दो मामू थे उनकी अलग अलग टीम थी ठीक है तो ये लोग अच्छे वाले मामू की टीम में थी मैं भी दूसरे वाले जो चीजें देते उनकी टीम में थी ना करो मानो तो फिर क्या हुआ इन्होंने मुझे टीज करना शुरू किया मेरे दिल में जो भड़ास थी सब निकाल दी पता क्या करती थी पैसे दे दो हम पैसे दे देंगे इसको मुंह भर भर के इसका थक जाते थे और आखिर में जब वो पैसे खत्म करती है और दो नहीं तो बता मुझे सिर्फ बचपन में चीजें खाने को जैसे गंदी चीजें जैसे पॉप जैसे कोई खट्टी कैंडी होते थे उसके अंदर से वो निकलते थे मसाला मिर्चू इतू सा इतने बड़े एक और इम्पोर्टेंट रेसिपी जो मैं आपको बताऊंगी आप लोग ट्राई करना कभी लॉलीपॉप के साथ चूरन लगा के खाना मैं अपने पॉप्स को लेके पॉप्स को उसमें पानी मिक्स करके उसका दलिया बना के नहीं बचपन में घर घर खेलते थे उसमें नहीं करती थी और टाइगर बिस्किट को लेके उसके अंदर पानी डाल के उसका दलिया बना के थोड़ी सी और तुम तो अभी भी सिरलैक का ब्रेकफास्ट हम लोग सिरलैक खाते हैं अभी भी खाते हैं गाइस आपको पता है अभी भी हम सिरलैक खाते हैं और एक बार जो सबसे मैं अम्मी बनती थी ये अबू बनता था क्योंकि इसको हिसाब किताब का इतना शौक होता था और हम पेपर के वो पर्चियों के ना वो बनाते थे हमारे पास जो झंडियां बच जाती थी हम उनपे 50-100 रुपए लिख के उसको हम कैश करते होते थे और ये हमारी वो बच्चा होती थी जो के चीज खाए बगैर उसके चली जाती थी क्योंकि इसको जो है ना वो चीज नहीं मिलती थी चला लोगों को मैं अबू बना के भेज देती थी और चीजें मैं
घर में खुद बनाती थी और सारी चीजें मेरे कब्जे में होती थी। जब खेल खत्म हो जाता था तो वो सारी चीजें बाद में छुप छुप के मैं खाती थी। तो बेटा अब्बू तो मैं थी ना, चीजें तो मैं लेके आती थी ना, तो क्या करती थी, पैसे आते जेब में आती चीज। फिर जैसे जैसे आप भी बड़ी हुई वो हमारे साथ नहीं खेलती थी, फिर मैं और फातिमा की टीम बन गई और हम बोर होते थे, घर घर खेले घर खेले छोटे छोटे। ऐसे मेरा बचपन गुजरा। लेकिन ना अच्छा कुछ नहीं, अब बस खत्म हो गया, मेरी बाजू थक चुके हैं इस वक्त फोन उठा उठा के, और बाकी की चीजें बाद में। अब तुम इसको मुंह से निकालो और बाय बाय, बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। ब्लैकमेलर, बड़ा झंडा लेके कहाँ जा रही, इतना बड़ा मुझे इसने कहा झंडा लेके आना, जिसने मुझे ये नहीं बताया कि इसका डंडा छोटा लेके आना। क्या हुआ, हंस रहे हैं, इनको ज्यादा खुशी हुई है पाकिस्तान बनने। तो क्या खुशी नहीं हुई है, अगर हमारा मुल्क आजाद नहीं होता तो हम इस तरह क्या आजाद घूम रहे होते। Oh my God, yes, no. Wow. जी आपकी क्या फरमाइश है? बैंड पहना दूं? तो फिर मैं बैंड पहनाऊंगी, आप कैमरा पकड़ोगे, ठीक है? हीरा पाकिस्तानी, ये तुम्हारे झंडे के डंडे को क्या हुआ? दूसरा वाला बहुत लंबा था तो मैंने छोटा किया। ये तो टुंडा हो गया। ये ज़ैनब, मानो आपको मैंने कल एक विग भी लेके दी थी। मैं पहन जाती हूँ, आप भी बाल खराब हो। वो आप लेके आओ सर, आपके साथ प्रैंक होना उसके साथ, ठीक है? अभी मैंने आपसे एक मिली तराना सुना, जरा आता तो सुनाओ जल्दी से मुझे। मेरे वतन ये अकीदते और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन राबिया, आप गाओ कुछ अच्छा सा। नहीं मैं नहीं गा सकती। क्यों नहीं गा सकती, आप तो गाती हो। चन्ना मैं नहीं गाती। चलो गाओ थोड़ा सा कोई मिली तरह ना। दिल दिल पाकिस्तान जा, जा पाकिस्तान दिल पाकिस्तान जा, जा पाकिस्तान ओके। राबिया फोटोग्राफर बनी हुई है फातिमा के उसकी, लेकिन फातिमा से सिर्फ मैं एक ही सवाल पूछूंगी, आपके जूते को मैं देख सकती हूँ कि नहीं? आपने जूते क्यों, चप्पल दे आज आपका आप। किसने देख लिया, इसकी पिक्चर तो देखो, दिखाओ पिक्चर कैसी आई है, दिखाओ। ये कैसी पिक्चर है, दोबारा लो। चलो रहा दोबारा उसकी फोटो बनाओ। मुझे खुद आप लोगों ने, तुमने नाश्ता किया? झूठ, मुझे पता तुम क्या खा रही थी, सलांटियां सलूंडियां। नहीं बनाना खाया। अच्छा तुमसे एक सवाल है, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया? मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली ने झंडा बनाया था। चौधरी अजीज, चौधरी रहमत, देखा ना, चौधरी और शौकत अली, चौधरी रहमत अली टाइप नाम था ना, टाइप नहीं पता होना चाहिए। अच्छा थोड़ी सी मेरी वीक है बस ये तो। क्या अच्छा एक बताओ कि हमारे पाकिस्तान का ये चांद तारा किसने बनाया डिजाइन, ये मुझे खुद नहीं पता सर। ये तो ऑटोमेटिकली डिजाइन ना, 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 ना ये मैंने पढ़ा था, ये कुछ ये मैंने भी पढ़ा था, मुझे भी भूल गया यार। वो झंडा उन्होंने बनाया था ना चौधरी रहमत अली, हमारा कायदे आजम का वो किसने किया, इजाद किसने किया, क्या ख्वाब था इकबाल का और कायद की उमंग, जीवन संग लगाए रखना इसकी हर लगन, हम आन हम शान हम किसकी जान है, हम पाकिस्तान है। राबिया कौन है, गैस ये कौन लड़की है, ये शान की टूटी कौन लग रही है? नहीं इसको मैं खींच नहीं सकती, इसका मुंह ना छिल जाए। आती जाओ ज़रा पीछे बच्चों को डराने के लिए, वहाँ पे हमारे नेबर्स में बच्चे काफ़ी रेडी हुए हुए हैं, और जो ज़ैनब है उसका तो माशाल्लाह अपना ही फ़ोटोशूट चल रहे हैं यहाँ पे। ज़ैनब आप तो फिर तुम ये इफ शैतान है डा फेस, मतलब रमज़ान में सब... अब मैं दीदार तेरा नहीं, दीदार तेरा मिलने के बाद ना, आज हमने सिर्फ
मिली तराने गाने। डैडी भी रेडी हो चुके हैं इंडिपेंडेंस डे को मनाते हुए, झंडा शंडा लगा के, वाइट सूट पहन के। सो अब हम इनसे सवाल पूछेंगे आपसे पाकिस्तान के रिलेटेड। अब राबिया पीछे झांक रही है आपके व्लॉग। राबिया पापा से क्विज पूछने लगी, वो हेल्प करने के लिए आओ। लेकिन पापा का तो मुझसे ज्यादा ही पता होगा, मुझसे ज्यादा तो मुझे पता ही नहीं, मैं बताऊंगा थोड़ा। ठीक है पूछो। चलो राबिया सवाल पूछेगी आपसे। मैं पूछती हूँ कि पाकिस्तान के ऊपर जो ये स्टार और चांद है, ये किसने पेश किया? किसने पेश किया? पेश नहीं किया था, ये बनाया था। हाँ, डिजाइन किया गया, किसी आदमी ने बनाया। हीरा भी आ गई है पीछे अपनी जैकेट शैकेट निकाल के। हीरा सब लोग आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे ही पापा का व्लॉग शुरू हुआ सब आना शुरू होगी, वरना कह रही है तुमने बना तो लिया था तुम। ये मेरा परचम है, ये मेरे मतलब का परचम है, इसका डंडा है, ये हीरा ने इसका डंडा छोटा किया, छोटा ये चीज, दिस इज कॉल्ड पेट्रियोटिज्म। अपने मुल्क से मोहब्बत जो है ये सुन्नत नबी भी है कि आप जिस सरजमीन में रहते हो, जिस सरजमीन पर रहते हो, उससे मोहब्बत जो है वो। और अब हम क्या करने लगे हैं? मैं और इकरा रेडी होकर जा रहे हैं, और अब अलविदा का मौका है। अलविदा का मौका? अलविदा नहीं, अलविदा ड्यूटियों में जा रहे हैं। अच्छा, काम के लिए। मैंने 14 तो बस स्पेशल शो करना है जो मैं उसको होस्ट करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाके आपको मैं दिखाऊंगी कि मैं वहाँ पे शो कैसे करती हूँ। बाकी भी होस्ट वगैरह आए होंगे तो खाना शाना हमने खा लिया, आप लोग भी खा लें। हमने क्या खाया? हमने पाए जा सकती जब तक तुम मुझे पिक्चर्स और वीडियोस। हाँ, मेरी भी पिक्चर्स दो, सबकी पिक्चर्स सबकी वीडियोस इस वक्त मेरे फोन में है, और हर बंदा मेरे दर पे है आप, प्लीज मेरी पिक्चर मेरी फोटो, क्योंकि सबने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करनी है। तो आपने सबको, हम सबको, हम पूरी फैमिली को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। आपका यूजर नेम क्या है? मेरा बहुत सिंपल है, राबिया फैसल लिखेंगे तो सामने आ जाएगा। और मेरा है इकरा कवर डॉट ऑफिशियल, और फातिमा का फातिमा फैसल अंडरस्कोर है, और ज़ैनब का ज़ैनब फैसल ऑफिशियल, वो सबसे ऑफिशियल है, वो सबसे ऑफिशियल बहन हमारी। ठीक है जी गाइस, आप इजाजत चाहते हैं, बाय। तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ, असी ते जावांगे। अच्छा अच्छा, जाते जाते एक मिली नगमा, मेरे वतन मेरी बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे, ये एक जा क्या हजार हो तो हजार तुझ पे निसार कर दूं, मेरे वतन मेरे वतन। Sure. Yeah.